ओ माय गॉड, एस आर के की लाइनअप आप लोग अगर सुनोगे ना तो भाई सब पिघला जाओगे। अगर आप लोग दो समझ रहे थे कि 2023 में एस आर के का बेस्ट लाइनअप था पठान, जवान, डंकी, तो ये कुछ भी नहीं है। बॉस किंग मूवी के बाद जो एस आर के की मूवी साइन हुई है, जो एस आर के की मूवी हुई है, ओ माय गॉड। पिंक वेला की अपडेट के मुताबिक, बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आप लोग बताऊं तो इतनी सारी मूवीज होने वाली हैं और उनमें से तीन मूवीज एस आर के ने चूज की किंग मूवी के बाद। किंग मूवी को साइड करो, उसमें पठान टू भी आ जाती है, लेकिन दो मूवी और है जो इतने हाईली अपडेट वाली एक्शन वाली मूवी है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे। आप लोग समझोगे भाई साहब जवान भूल जाओगे, क्योंकि इस तरह की मूवी होने वाली है। आप लोग बताऊंगा किस राइटर के साथ। सबसे पहले आप लोग बता दूं कि किंग मूवी के बाद आप लोग सीधा देखने को मिलने वाली पठान टू, जिसमें साउथ का बड़ा डायरेक्टर होगा, जिसमें साउथ का बड़ा विलन होगा और जिसमें आप लोग को राइटर है, चाहे कहानी हो, ट्विस्ट ऐसे देखने को मिलेंगे कि पठान वन आप लोग भूल जाओगे। 100% पठान टू को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि वो पठान वन का रिकॉर्ड इजीली तोड़ सके। लेकिन अगर मैं बात करूं पठान टू के बाद क्या है मूवी, तो पठान टू के साथ मूवी अब एसआरके की 100% अगर कहूं तो 100% मूवी होने वाली है एटली कुमार के साथ। जी हां, एटली कुमार ने स्क्रिप्ट लॉक कर दिए एसआरके से। अब वो 2027 में आएगी और वो मूवी का नाम जो होगा जवान टू नहीं होगी, वो मूवी एक अलग लेवल की मूवी होगी और उसमें शायद ये वो मूवी हो जिसमें थलापति वर्सेस एसआरके हो। फिर आप वही मूवी है क्या, वही मूवी है, लेकिन इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ये कंफर्मेशन जरूर हुई है कि एसआरके की पठान टू के बाद एटली कुमार के साथ मूवी होने वाली है। और तीसरी नंबर मूवी की अगर मैं बात करूं तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसमें दो डायरेक्टरों का नाम आ रहा, सबसे पहले रॉय शेट्टी का नाम लिया गया है कि रॉय शेट्टी एक हाई ऑक्टेड, एक मैं कहूँ कि मेघना मोहम्मद मूवी जो है वो मूवी बनने वाली है एसआरके के साथ। कहानी, एक्शन, स्वैग सब कोई लेवल का होगा। और दूसरा नंबर नाम है लोकेश कनकराज का, फिर से एसआरके के साथ उसकी मीटिंग की गई है और एसआरके को चाहते हैं कि भैया जी वो उस यूनिवर्स में लेके आए, चाहे अलग मूवी हो लेकिन एसआरके के साथ लोकेश कनकराज मूवी करने वाले। 100% बातें हो जाती है, लेकिन अगर इमेजिन करें ये तीनों ही कंफर्म हो जाते तो फिर लाइनअप क्या होगा भाई साहब। ये तीनों ही 1000 करोड़ से ज्यादा मूवी है और तो फिर तो आप लोगों को पता है कि वो साल भी एसआरके का ब्लॉकबस्टर साल रहेगा और आने वाली मूवी सारी एसआरके के भाई साहब 1000 करोड़ के पार वाली होनी।